Assalamu alaikum, I'm Naima Shehzad, a student of clinical psychology, fifth semester. So I'm here to present a topic of depersonalization and derealization disorder. So in this lecture, we will discuss about depersonalization, derealization disorder, their symptoms, causes, risk factors, prevalence, complications, and treatment. So starting with the introduction of depersonalization and derealization disorder. Derealization disorder occurs when you persistently or repeatedly have the feelings that you are observing yourself from outside your body, or you have a sense that things around you aren't real, or both. ओके तो जो depersonalization और derealization disorder है ये इसमें एक इंसान ऐसे फील करता है, उसको बार बार लगातार मुसलसल उसको ये थॉट्स आते हैं, ये फीलिंग्स आती हैं कि वो अपने आप को कहीं बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब वो अपने आप से डिटैच फील करता है या फिर वो अपनी सराउंडिंग से डिटैच फील करता है. उसको पहले तो डिपर्सनलाइजेशन में उसको ये फील होता है कि मैं खुद से अलग हो गया हूँ, और डीरियलाइजेशन में उसको ये फील होता है कि जो मेरी सराउंडिंग है वो अनरियल है. बहुत से लोग अपनी लाइफ में डिपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन किसी ना किसी पॉइंट पे फील करते हैं. उनको कभी ना कभी किसी इंसान को हो सकता है ऐसा फील हो कि वो अपने आप से डिटैच फील करे उसको, या फिर हो सकता है वो ऐसे फील करे कि जो मेरी सराउंडिंग है वो अनरियल है. तो लेकिन जो डिपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर होता है उसमें ये होता है कि जो इंसान बार बार मुसलसल ये चीज़ फील कर रहा है और उसकी डेली लाइफ रूटीन में इम्पेयरमेंट आ रही है, उसमें डिस्ट्रेस आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसकी डेली फंक्शनिंग में, उनको वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा अपने, अब हम कह सकते हैं कि इसको डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर है. पहले हम बात करते हैं डीपर्सनलाइजेशन की. अ स्टेट इन विच वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स सीम अनरियल और नॉट टू बिलोंग वन सेल्फ. इसके अंदर है कि एक इंसान अपने थॉट्स अपनी फीलिंग्स से डिटैच्ड हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ अनरियल है, उसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता. इसको डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर है, वो ऐसे फील करेगा कि शायद ये मैं इसके साथ बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को सिर्फ दूर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. वो अपने अपने आप को उसकी बॉडी जो होती है वो नम फील हो रही होती है, उसको लग रहा होता है ये सब कुछ जो हो रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है. अगर हम सिम्टम्स देखते हैं डिपर्सनलाइजेशन के, तो फीलिंग्स दैट you are an outside observer of your thoughts, feelings, your body or parts of your body. तो वही बात कि वो अपने आप को ऑब्जर्वर फील कर रहा है, हालांकि वो अगर कोई उससे बात कर रहा है वो रिस्पॉन्स तो कर रहा होगा, लेकिन उसको फील हो रहा होगा कि शायद ये मैं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बल्कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, और ये जो रिस्पॉन्स है और जो इसकी स्पीच है, ये जो मूवमेंट है मेरी, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है. इमोशनल और फिजिकल नमनेस ऑफ योर सेंसेज और रिस्पॉन्सेज टू द वर्ल्ड, अ सेंस दैट योर मेमरीज लाइक इमोशंस एंड दैट दे मे और मे नॉट बी योर ऑन मेमरीज. डीपर्सनलाइजेशन, एक इंसान जब खुद से डिटैच हो जाता है तो उस टाइम पे उसको अपनी मेमोरीज पे भी डाउट होता है कि शायद जो मेरी मेमोरीज हैं वो पता नहीं वो सच भी हैं कि नहीं है, वो डाउट में रहता है. सेंस दैट योर बॉडी लेग्स अपियर डिस्टॉर्टेड एनलार्ज और शेकन एंड दैट योर हेड इज रैप्ड इन अ कॉटन. और अगर हम बात करते हैं डीरियलाइजेशन की, तो डीरियलाइजेशन रियलिटी, इसके अंदर रियलिटी की बात हो रही है कि हम अपने आप की जो रियलिटी, अपनी जो सराउंडिंग है, हम फील करते हैं कि हम अपनी सराउंडिंग से डिटैच्ड हो गया, मतलब ये फील कर रहा है कि जो मेरे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है जो मेरी, वो सब कुछ अनरियल है, उसको वो सब कुछ फॉगी फॉगी ड्रीमी फील हो रहा होता है. डीरियलाइजेशन इज अ मेंटल स्टेट वेयर यू फील डिटैच फ्रॉम योर सराउंडिंग, पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू मे सीम अनरियल, उसको सब कुछ अनरियल लग रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, फीलिंग दैट यू आर लिविंग इन अ मूवी और अ ड्रीम. हम डीरियलाइजेशन के सिम्टम्स देखें तो फीलिंग्स ऑफ बींग एलिनेटेड फ्रॉम और अनफेमिलियर विद योर सराउंडिंग्स, उसकी जो सराउंडिंग होती है उसको सब कुछ एलिनेटेड और अनफेमिलियर लग रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ. फीलिंग इमोशनली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम पीपल यू केयर अबाउट एज इफ यू आर सेपरेटेड बाय अ ग्लास वॉल. जिन लोगों की वो केयर करता होता है वो उन लोगों से भी डिटैच फील करता है, उसको ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं किसी ग्लास वॉल की वजह से इन सबसे सेपरेट हो गया हूँ, इन सबसे डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, ये सब कुछ अनरियल है, सब कुछ डिस्टॉर्टेड लग रहा होता है, ब्लरी लग रहा होता है, कलरलेस लग रहा होता है. उसको उसकी जो उसकी परसेप्शन है टाइम की, उस टाइम भी उसको भी उस चीज में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि जो मेरे साथ अभी जो उसके पास्ट इंसिडेंट हुए होते हैं उसको लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी पहले से सब कुछ हो चुका है, हालांकि वो उसके रिसेंटली उसके जो इंसिडेंट होते हैं वो हुए होते हैं. उसको साइज डिस्टेंस में के इस चीज में और मुझमें कितना डिस्टेंस और शेप जो होती है, साइज वगैरह, इन चीजों में भी उसकी जो परसेप्शन है वो उसमें प्रॉब्लम आ रही होती है. अगर हम काजेज की बात करें तो काजेज इसकी वैसे जो एग्जैक्ट काजेज है वो नहीं पता, लेकिन जो इसके पॉसिबल काजेज है उसमें जेनेटिक्स आ सकता है, स्वेयर चाइल्डहुड
ड्रामा, विटनेसिंग एनी ट्रॉमेटिक इवेंट, या फिर हमें सीवियर स्ट्रेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हो, या एंजाइटी या फिर डिप्रेशन हम फेस कर रहे हो. आगे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं. रिस्क फैक्टर्स में सबसे पहले सीवियर ट्रॉमा, सीवियर स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन यूजिंग रिक्रिएशनल ड्रग्स, मतलब आगे है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस या प्रिवेलेंस ऑफ डीडीडी. इसके प्रेवलेंस की अगर बात करें तो जो प्रीवियस फाइंडिंग्स हैं उनके लिहाज से जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें 1% इसके 1% डीडीडी की प्रेवलेंस, और ये ज़्यादा एडोलेसेंस या यंग एडल्ट्स में होती है, और या फिर उन पेशेंट्स को जो मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको पहले हो. एडोलेसेंस और यंग एडल्ट्स की अगर बात करें तो ये तकरीबन एज 10 to 22 or 25 तक होती है. और रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल, दोनों में मेल और फीमेल में इक्वल इक्वल रेशियो इसका पाया जाता है, 1:1. आगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं, अगर एक इंसान अपने आप को डिटैच फील कर रहा है खुद से या फिर सराउंडिंग से, तो जाहिर है उसके लिए अपने टास्क पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, और उसकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है उनके अंदर इंटरफ्रेंस आती है, और जो उसके रिलेशनशिप्स हैं उसकी फैमिली के साथ, उसके फ्रेंड्स के साथ, वहाँ उनमें प्रॉब्लम आती है, या उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है, और उसको अ सेंस ऑफ होपलेसनेस, वो होपलेस फील करते हैं. लास्ट पे इसका ट्रीटमेंट है जो कि साइकोथेरेपी है. तो इसको हम काउंसलिंग या टॉक थेरेपी भी बोलते हैं, और इसका जो मेन गोल होता है वो किसी भी डिसऑर्डर के सिम्टम्स को कंट्रोल करना या कम करना होता है. और अगर हम डीडीडी में बात करें तो ये एक इंडिविजुअल को ऐसी टेक्निक्स या कोपिंग मैकेनिज्म सिखाता है जिससे वो अपने सिम्टम्स से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और ज़्यादा जो अपनी फीलिंग्स है और अपने अपने सराउंडिंग जो है उससे कनेक्ट हो जाता है. टू सच साइकोथेरेपीज इंक्लूड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड साइको डायनेमिक थेरेपी. जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो हमारी कॉग्निशन और बिहेवियर लेवल पे काम करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हमारी कॉग्निशन और बिहेवियर लेवल पे काम करके हमारी जो ये डीडीडी है इसको ट्रीट करते हैं. और दूसरा साइको डायनेमिक थेरेपी है, इसके अंदर हमारे कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल पे काम करके डीडीडी को ट्रीट किया जाता है. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू.